Good morning. Today we see the refraction at the, that is, concave spherical surface. Here in the last video, in the last lecture, we have seen the refraction by the convex spherical surface. In both the cases, real image formed and the virtual image formed. Here also we have two condition, that is, the object lie in the rarer medium in the first case that we will consider, and the second one is the object lie in the denser medium. So in dono ko hum log dekhenge, aur refraction mein jo relation hai, that is the relation between the object distance to that of the image distance to that of the refractive index of the material and regarding the रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये जो रिलेशन है इसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ड्यूरिंग दैट रिफ्रैक्शन. नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, हमको इसको सॉल्व करने या एक्सप्रेशन निकालने से पहले कुछ एजम्पशंस हमको हमेशा याद रखना है. और वो एजम्पशंस क्या है कि द एपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा एपर्चर हमको ले कंसिडर करना है. नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर, द पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेना है, ऑब्जेक्ट पॉइंट होगा और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा, द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कंसिडर करना है. देन आफ्टर एंगल अल्फा बीटा एंड गामा जो फॉर्म करेगा ड्यू टू दैट ऑफ द इंसिडेंट रे, ड्यू टू दैट ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो वहां पर जो एंगल आप लेते हैं अल्फा बीटा गामा, दैट इज ऑल्सो विद द प्रिंसिपल एक्सिस आर वेरी स्मॉल, उसको बहुत छोटा कंसिडर करेंगे. दैट इज द टेंजेंट टू द पॉइंट, और वो क्या रहेगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट के रूप में रहेगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. सो ये आपका तीसरा क्या है, एजम्पशन है. फोर्थ एजम्पशन क्या देख रहे हैं, द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से डिस्टेंस को मेजर करेंगे. अभी हम लोग जब हम रे डायग्राम की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग, पोल से मेजर कर रहे हैं. और पॉजिटिव अलोंग द इंसिडेंट रे, जो डायरेक्शन आप कंसिडर करेंगे वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, किधर, जिस साइड इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है. और निगेटिव अगेंस्ट इट, अगेंस्ट इट का मतलब इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में अगर हम डायरेक्शन मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा. तो ये पाँच आपका क्या था, एजम्पशन था. अब इन एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग रिफ्रैक्शन एट द कॉन्केव सर्फेस को देख रहे हैं. देखो अब आ जाओ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाई इन द रेरर मीडियम. अब रेरर मीडियम में ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है और ये आपका क्या है, दैट इज द कॉनकेव सरफेस है ऑफ एपर्चर एम एंड एम डैश, एम एंड एम डैश इज द एपर्चर, ठीक है. और यहां क्या हो गया, दैट इज द रेरर मीडियम, इसको कह सकते हैं रेरर है, रेरर मीडियम. और इधर क्या है, डेंसर मीडियम, इसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है. तो ये आपका रे डायग्राम के रूप में ले रहे हैं. ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने कंसिडर किया ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. एंड इसमें देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ये इंसिडेंट हो रहा है टू दैट ऑफ द सरफेस, और यहाँ इंसिडेंट का एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये नॉर्मल हो गया. ध्यान रहे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन सरफेस पे जाता है दैट मेक ए नॉर्मल, ठीक है, मींस यहां पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है विद द टेंजेंट. तो ये नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल लाइन को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सी एन, ठीक. और जो इंसिडेंट हो रहा है वो रेरर से डेंसर मीडियम में मूव कर रहा है, तो जब रेरर से डेंसर की ओर मूव करता है तो इट विल मूव टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बैंड कर जाता है. ये भी हम लोग रूल ऑफ दिस या फिनोमिना ऑफ द रिफ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, जान रहे हैं. तो ऐसे में इंसिडेंट रे दैट मेक एन एंगल ऑफ द अल्फा, अल्फा एंगल बनाता है विद दैट ऑफ द, क्या बनाता है, अल्फा एंगल किसके साथ बना रहा है, अल्फा एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो प्रिंसिपल एक्सिस आपने कंसीडर किया है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है. अब देखो जब ये नॉर्मल की तरफ बैंड किया तो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है, नॉर्मल की तरफ बैंड किया तो ये आपका हो गया वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, वर्चुअल इमेज, और इमेज आपने क्या लिया, आई. तो यहाँ पर एंगल, इमेज जहाँ बन रहा है वहाँ एंगल हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, बीटा एंगल कंसिडर कर रहे हैं. यहाँ पर एंगल कितना हो गया, बीटा,
बीटा एंगल, और यहाँ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज गामा एंगल बना रहा है विद दैट ऑफ द गामा एंगल विद दैट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया वो गामा एंगल बना रहा है। अब सबसे पहला बात है कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इस जगह पे जहाँ इंसिडेंट हो रहा है उस इंसिडेंट का पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द ए। उस इंसिडेंट से यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉप किए नॉर्मल, एंड दैट इज द ए बी इज द नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, नॉर्मल बोलो या परपेंडिकुलर बोलो। तो ऐसे में यहाँ पर ये रे डायग्राम का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, मींस रिफ्रैक्शन फ्रॉम द एपर्चर एम एम डैश, ठीक है। उससे पहले साइन कन्वेंशन का यूज करना जरूरी है। तो साइन कन्वेंशन या फिर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो पोल कहाँ है, तो पोल क्या होता है, दैट इज द मिडिल ऑफ द एपर्चर इज नोन एज पोल। तो हम इसी जगह पे पी पकड़ दिए, पोल मिडिल ऑफ द एपर्चर, एपर्चर क्या है एम पी एम डैश कंसिडर कर सकते। तो अब पी से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, देखो सबसे पहला कि आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस आर, दैट इज द पोल से ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी हो गई माइनस आर। फिर आई ले रहे हैं, यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, देखो I इज इक्वल टू माइनस वी, ठीक है, मीन्स इमेज डिस्टेंस हो गया I। और फिर बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज माइनस यू। अब ये सभी चीज़ हमारे पास आ रहा है, तो साइन कन्वेंशन आप लिख दिए यहीं पर, साइन कन्वेंशन हो गया। और ये भी जान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है टू दैट ऑफ द डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम, और यहाँ डेंसर मीडियम आप लिख रहे हैं मीडियम, ठीक है, रेरर से डेंसर की ओर जा रहा है, नॉर्मल की तरफ बैंड कर रहा है, एंड दैट बिकम द रे डायग्राम फॉर द रेरर टू द डेंसर इन केस ऑफ द कनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब देखो बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सरफेस, कनकेव सरफेस, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कौन सरफेस आपने लिया, एम, फ्रॉम एम पी एम डैश, यहाँ से रिफ्रैक्शन कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस दैट इज द एपर्चर, फ्रॉम एपर्चर एम पी एम डैश। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको हमने फर्स्ट मीडियम माना और ये सेकंड मीडियम, और कह सकते हैं एयर में रिफ्रैक्टिव, रेरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, और डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पर म्यू टू कंसिडर कर रहे हैं, फॉर दिस म्यू टू, फॉर द टू हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ऐसे में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है, साइन ऑफ द एंगल आई बाय साइन ऑफ द एंगल आर। देखो सबसे पहला एपर्चर को आपने क्या लिखा है, एपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल, एपर्चर दैट इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा है बहुत ही स्मॉल है, दैट मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा, यहाँ पर एंगल आई है, दैट इज द एंगल आई, एंगल आई यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं एंगल आर, ये हो गया एंगल आर। तो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों आप देख रहे हैं, और एपर्चर छोटा होने के कारण एंगल आई और आर भी बहुत छोटा है, तो दैट मीन्स सिमिलर टू द एंगल आई एंड दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द एंगल आर। अब इन दोनों सिमिलरिटीज को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ द आई बाय द आर, और रिफ्रैक्शन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं सेकेंड मीडियम टू दैट ऑफ द फर्स्ट मीडियम। और इस रिलेशन से फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो रिलेशन हमारे पास आ गया म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ से हमको I का वैल्यू और R का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है। देखो अब परपेंडिकुलर तो आपने डाल ही दिया, दैट इज द परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ऐसे में टू कैलकुलेट एंगल I एंड एंगल R,
को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो आई के लिए कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास? तो ओ ए सी, ओ ए सी। देखो ओ ए सी क्या है, तो ओ ए सी में एंगल आई है, तो एंगल आई को आप क्या लिखेंगे? दैट इज द गामा माइनस, गामा एंगल यहां पर है, दैट इज द एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो ऐसे में गामा इज द एक्सटर्नल फॉर दिस ओ ए सी, ओ ए सी एक बार देख लो, गामा एक्सटर्नल एंगल है, तो दैट इज इक्वल टू गामा क्या हो गया यहां पर? अल्फा, गामा माइनस अल्फा। और अभी आपने लिखा है कि एंगल अल्फा बीटा गामा आर विद द प्रिंसिपल एक्सिस आर वेरी स्मॉल, दैट इज टेंजेंट टू द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये सभी टेंजेंट है, तो इसी को हम यहां पर लिख सकते हैं, देयरफॉर आई इज इक्वल टू टेंजेंट, बात कर रहे हैं टेन ऑफ द गामा माइनस टेन ऑफ द अल्फा, ठीक है। और फिर आर निकालने के लिए है, तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा हो गया? ओ आई, ओ के जगह यहां पर आई ले लेंगे, इन ट्रायंगल आई ओ आई ए सी, आई ए सी, देखो आई ए सी, तो यहां पर भी हमको मिल रहा है दैट इज द आर, आर जो आप कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आर क्या है? आई यहां पर हो गया, आई ए और सी को कंसीडर किए, तो दैट इज द वैल्यू आ गया आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू कितना है यहां पर भी देखो, ये हो गया आर इज इक्वल टू दैट इज द गामा माइनस बीटा, गामा एक्सटर्नल हो गया, इसमें भी आई ए सी में भी गामा एक्सटर्नल एंगल हो गया, माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू आर, क्योंकि आर क्या होगा? अपोजिट अगर लेते हैं वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी आर एंगल है, तो ऐसे में ये भी आपके पास टेंजेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया? आर इज इक्वल टू दैट इज द टेन ऑफ द गामा, टेन ऑफ द गामा माइनस टेन ऑफ द बीटा, ये रिलेशन बन गया। अब टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा कैलकुलेट करना है। नाउ फाइंडिंग द टेन अल्फा, टेन अल्फा के लिए क्या कर रहे हैं? तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए बी इज द परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कर सकते हैं ड्रॉ द परपेंडिकुलर ए बी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, प्रिंसिपल एक्सिस पे ए बी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। तो अब ऐसे में निकाल रहे हैं हम लोग टेन अल्फा निकाल रहे टू फाइंड टू ऑब्टेन ऑब्टेन टेन अल्फा टेन बीटा एंड टेन गामा, टेन गामा इसको अब कैलकुलेट कर रहे हैं और वैल्यू यहां पर रख देंगे आई के जगह पे, आर के जगह पे। तो अब देखो यहां पे क्या बात कर रहे हैं, टेन ऑप्टेन कर रहे हैं टेन अल्फा इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है आपके पास? ओ ए बी, दैट इज द टेन ऑफ द अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई, ए बी बाई, अब यहां से लिख रहे हैं बी ओ, बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है तो बी कहां पे लाई करेगा? पी पे, तो हम इसको पी ओ लिख सकते हैं, दैट इज द, ये हो गया आपका 10 अल्फा का वैल्यू। अब इसी तरह यहां पर लिख रहे हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास? आई के लिए ले रहे हैं, तो आ गया आई ए बी, और ये क्या निकाल रहा है? 10 ऑफ द बीटा कंसीडर करिए, 10 बीटा, अब 10 बीटा क्या है? तो दैट इज द ऑल्सो ए बी बाई, अब यहां से लेंगे तो ये हो गया बी आई इज इक्वल टू पी आई, ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशन में हमको आप एपर्चर बहुत छोटा है। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा आप ले रहे हैं? दैट इज द सी ए बी, सी ए बी, तो ये कितना हो गया? टेन ऑफ द गामा इज इक्वल टू ए बी बाई, यहां पर कितना हुआ? तो बी पी की जगह ए बी के जगह पे यहां पर लिख रहे बी सी, एंड बी सी इज इक्वल टू पी सी, तो ये तीनों आ गया आपके पास, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ गया। अब इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं विद द आई एंगल, नाउ द एंगल आई एंड एंगल आर बिकम्स नाउ
angle I and R becomes. कितना हो गया एंगल आई और आर? तो आई का वैल्यू आप यहां रख दीजिए, आई इज इक्वल टू टेन अल्फा है, टेन गामा मीन्स दैट इज द ए बी बाई पी सी, माइनस अल्फा कर रहे हैं तो टेन अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई पी यू. इसी तरह हम लोग किसका निकाल रहे हैं, तो अब आर का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आर कितना हो जाएगा? तो आर के लिए यहाँ पर आपने लिखा है टेन गामा माइनस टेन बीटा, तो यहाँ पर टेन गामा का वैल्यू हो गया ए बी बाई पी सी माइनस ए बी बाई यहाँ पर हो गया पी आई पी आई. तो ये दोनों आई और आर का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए. अब जस्ट आई और आर का वैल्यू को इक्वेशन वन में रख रहे और इन दोनों रिलेशन को इक्वेशन टू मान लिए, इन दोनों को. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन टू इन इक्वेशन, यहां से ये पूरा ये रिलेशन और ये रिलेशन, दोनों रिलेशन को आप इक्वेशन टू कंसिडर किए हैं, आई का वैल्यू भी आर का वैल्यू भी. तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग टू इन वन ठीक है, इक्वेशन या रिलेशन टू को वन में रख देंगे, वन यहां पर है, तो ये रिलेशन हो गया म्यू वन इंटू आई, आई का वैल्यू कितना हो गया दैट इज द ए बी बाई पी सी माइनस ए बी बाई पी ओ. ठीक है, आई दैट इज इक्वल टू, ये इक्वल हो गया. अब यहां पर ले रहे हैं म्यू टू ठीक है, म्यू टू और वैल्यू किसका है, आर का बैठाना है, तो आर का वैल्यू कितना हो गया तो दैट इज द ए बी बाई पी सी माइनस ए बी बाई पी आई, ये वैल्यू आ गया. अब देखो ए बी कॉमन है दोनों में, तो ए बी को हम क्या कर देंगे, यहां से ए बी को यहां से अब कैंसिल कर दे रहे हैं, तो वैल्यू कितना बच गया, तो ये हो गया म्यू वन पी सी माइनस म्यू वन पी ओ इज इक्वल टू म्यू टू पी सी, ठीक है पी सी और माइनस म्यू टू पी आई. अब ये जो रिलेशन आपके पास आ रहा है, इसमें से वैल्यू को देखो, अब यहाँ हम इधर साइड मिटा रहे हैं क्योंकि उसको उधर लिखेंगे, तो ये आपका जो रिफ्रैक्शन आप देख रहे थे फ्रॉम द सरफेस कॉनकेव सरफेस, अब इसमें ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है, क्या है देखो, सो म्यू वन पी सी, अब पी सी को एक साइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये म्यू वन को हम इधर कर देंगे और इसको माइनस को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया आपका माइनस म्यू वन पी ओ प्लस म्यू टू पी आई दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसके जगह पे लिख सकते हैं म्यू टू पी सी और ये इधर से पॉजिटिव उधर गया तो माइनस म्यू वन पी सी, तो पी सी कॉमन हो गया दोनों में, आप इसको लिख सकते हैं. और ये रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी बन गया, किस कंडीशन के लिए, तो जब आप लेंस मेकर फार्मूला यूज़ करते हैं तो इस रिलेशन को देखते हैं, या एक स्टेप और बढ़ जाते हैं यहाँ पर. अब साइन कन्वेंशन सबका रखना है, सभी का साइन कन्वेंशन अब आप यूज़ कीजिए, पी ओ इज इक्वल टू माइनस यू, पी आई इज इक्वल टू माइनस वी, पी सी इज इक्वल टू माइनस आर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस म्यू वन बाई पी ओ, पी ओ क्या हो गया माइनस यू, प्लस म्यू टू, म्यू टू कितना है तो म्यू टू बाई पी आई, पी आई हो गया माइनस वी, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन और पी सी के जगह पे, अब हम पी सी के जगह पे क्या रख देंगे माइनस आर. देखो अब माइनस हमको यहाँ से कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करना है, इसको तो कैंसिल कर दिए और माइनस यहाँ ऊपर चला आया, तो हम माइनस को अगर ले ले म्यू वन बाई यू माइनस म्यू टू बाई वी दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू माइनस वन बाई आर, इस माइनस को आप ऊपर कर दीजिए तो आप ऐसे लिख सकते हो दैट इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इंटू आर. अब यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ये हो गया म्यू वन यू और ये माइनस में कंसिडर कर रहे हैं, माइनस यहाँ कॉमन ले लिए तो ऐसे में ये रिलेशन हो गया माइनस माइनस यहाँ पर कितना आ गया दैट इज प्लस, ठीक है म्यू टू भी इंटू यहाँ पर भी दैट इज माइनस कॉमन लिया ही, तो म्यू वन म्यू टू माइनस म्यू वन म्यू टू
माइनस म्यू वन बाई आर। अब देखो यहाँ पर क्या आप यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज द ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो रिलेशन हमारे पास कितना आ गया। और फाइनल रिजल्ट अभी देखो यहाँ देख रहे हैं, इसको भी यहाँ से ये वैल्यू बन रहा है, ठीक है। अब ये सब बात आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ आ गया माइनस म्यू वन यू प्लस म्यू टू वी, दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इन टू वन बाई आर। और ये इक्वेशन जो आप देखे दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर दे रहे हैं। और इसी को हम लोग लेंस मेकर फार्मूला जब कॉनकेव के केस में कंसिडर करते हैं बनाते हैं, तो इस इक्वेशन नंबर 4 को, इक्वेशन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं उसको यूज़ करते हैं, रिलेशन 3 को, ठीक है। अब यहाँ से म्यू वन से सबको डिवाइड कर दो, तो ये रिलेशन हो क्या गया, तो यहाँ म्यू वन से डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 3 को, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, और माइनस वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई म्यू वन, दैट मच इतना बाई भी, दैट इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर भी आ गया म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन इन टू वन बाई आर, ठीक है। तो ये रिलेशन में से अब इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू म्यू, सेकंड मीडियम में ले रहे 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, इसका वैल्यू है, और ये वैल्यू आपको यहाँ मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज़ द माइनस 1 बाई यू प्लस म्यू 2 बाई दैट इज़ वी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट माइनस वन बाई वन बाई आर। सिंपल वे में अगर इस रिलेशन को हम म्यू मान ले तो ऐसे में आप म्यू के साथ भी बैठा करके निकाल सकते हो, और ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस वन बाई यू प्लस म्यू बाई वी, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इन टू वन बाई आर, ये हो गया इक्वेशन 4। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट किए, रे डायग्राम को कैसे समझे, सारी बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एजम्पशन आपको कंसीडर करना, द सेम एजम्पशन जो हम इसके केस में लिए रेरर टू डेंसर मीडियम, इसी को अब हम लोग यहां पर भी देखेंगे। और अभी देखो ऑब्जेक्ट लाई इन द डेंसर मीडियम एंड इट मूव टुवर्ड द रेरर मीडियम, तो ऐसे में ऑब्जेक्ट को डेंसर से कंसिडर कर रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और जो इंटरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद, कर्वेचर पे स्ट्राइक करने के बाद वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, नॉर्मल क्या है आपका सी एन इज द नॉर्मल, तो यहाँ एंगल क्या क्या लिए, दैट इज द अल्फा एंगल, यहाँ अल्फा हो गया, आई के साथ आ गया बीटा एंगल, और यहाँ देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा, दैट इज द स्मॉल एंगल। एजम्पशन आपने यहाँ कंसिडर किया है, एपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल, पॉइंट ऑब्जेक्ट लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे, डेंसर मीडियम यहाँ क्या हो गया रेरर मीडियम। अब देखो क्या बात ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन देखना है, तो पोल आपका यहाँ हो गया, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए फ्रॉम द पॉइंट, जब ये कहाँ से ले रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द ए, ए से बी में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो कैसा इमेज बना यहां पर, तो वर्चुअल इमेज बना, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और अब यहां साइन कन्वेंशन देखेंगे, तो यहां आ गया कितना, दैट इज द इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज देख रहे हैं तो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट है माइनस वी, दैट इज द इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, दैट इज द माइनस यू, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हो गया विद द साइन कन्वेंशन। ये केस आपने लिया, ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है डेंसर मीडियम में, और कहाँ मूव कर रहा है तो इन द रेरर मीडियम, डेंसर टू रेरर। अब देखो यहाँ क्या क्या बात कंसिडर करेंगे, तो दैट इज द सेकेंड केस जो आप यहाँ पे देख रहे हो सेकेंड केस में, तो ऐसे में रिफ्रैक्शन कहाँ से हो रहा है, एम पी एम डैश से, एम डैश यहाँ हो गया, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन
from M P M S, or according to Snell's law, तो यहां पे क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज द सेकंड मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का आपने क्या लिया है, दैट इज म्यू टू, और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, म्यू वन हो गया. ठीक है, तो ऐसे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट मीडियम टू दैट ऑफ द सेकंड. अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू साइन एंगल, साइन आई बाय साइन आर. अब देखो साइन आई कहां है, इंसिडेंट हो रहा है टू द नॉर्मल, इट विल गिव द एंगल आई, और रिफ्रैक्ट कर रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आर एंगल हो गया. आई और आर दोनों मिल रहा है. अब यहां से हमको कंसिडर करना है, और हमने क्या एज्यूम किया है, एजम्पशन है कि अपर्चर बहुत स्मॉल है. ऐसे में क्या होगा कि अपर्चर अगर बहुत स्मॉल है तो यहां पर क्या है कि पी बी ऑलमोस्ट पी पे लाइक करेगा और ए भी बहुत क्लोज हो जाएगा, तो ऐसे में आई और आर वेरी स्मॉल एंगल होगा. तो वेरी स्मॉल एंगल को हम ले रहे हैं आई एज ए सिमिलर टू दैट ऑफ द साइन आर, और इसको हम लिख सकते हैं आई बाई आर. अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम ये हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, तो म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर वन. अब देखो आई और आर को कैलकुलेट करना है, जैसे आप इस कंडीशन में कैलकुलेट किए थे पहले वाले में, तो अब इसमें हम डायरेक्ट ट्रायंगल लेकर के आपको देख बता रहे हैं. तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ आई सी, तो ओ ए सी, तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल हो गया ओ ए सी, दैट इज आई एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई, That is the external angle for this triangle OAC. तो गामा प्लस अल्फा, तो यहां लिख सकते हैं गामा प्लस अल्फा. और इसी तरह यहां पर क्योंकि अपने यहां एज्यूम किया है कि एंगल्स अल्फा बीटा गामा, दैट इज द टेंजेंट टू द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सो यहां पर हम I को क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू टेन ऑफ द गामा प्लस टेन ऑफ द अल्फा. ये एक रिलेशन हो गया. फिर ले रहे हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, तो यहां पर ट्रायंगल आई ए सी कंसिडर करते हैं. आई ए सी किसके लिए, तो फॉर आर, आर निकालना है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए ये ट्रायंगल, फिर आर भी क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, तो यहां क्या हुआ, गामा प्लस बीटा हो गया, तो दैट इज द गामा प्लस बीटा. अब ये भी टेंजेंट हो गया, तो R का वैल्यू कितना हो गया, टेन ऑफ द गामा प्लस टेन ऑफ द बीटा. यहां से अब कैलकुलेट करेंगे टेन अल्फा बीटा गामा को कैलकुलेट करेंगे. टू कैलकुलेट टेन अल्फा टेन बीटा एंड टेन गामा, अब यहां से टेन अल्फा का ले रहे हैं, तो कौन ट्रायंगल, अभी अपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है फ्रॉम ए टू बी, तो हम यहां लिख देते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं. अल्फा के लिए हो गया ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी फॉर द अल्फा एंगल, सो टेन ऑफ द अल्फा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यहां पर, तो ए बी बाई बी पी बी ओ, ए बी बाई यहां हो गया बी ओ, और बी ओ क्या है, पी ओ है. कैसे, अभी हम समझे कि अपर्चर बहुत छोटा है, स्मॉल है, तो ए ऑलमोस्ट पी के पास है, बी कहां चला जाएगा, पी पे चला जाएगा, तो जितना आप डिस्टेंस बी टू ओ ले रहे हैं, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पी ओ, तो आपके पास टेन अल्फा हो गया. इसी तरह हम यहां ले रहे हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, आई ए बी, आई ए बी, तो यहां पर हमको मिल गया टेन ऑफ द बीटा, दैट इज इक्वल टू टेन बीटा भी आप लिख सकते हैं, ए बी बाई इधर हो गया बी आई, एंड बी आई इज इक्वल टू बी आई. सिमिलरली इसी तरह इन ट्रायंगल सी ए बी, सी ए बी ये हो गया टेन ऑफ द गामा, दैट इज इक्वल टू ए बी बाई, अब यहां पे क्या ले रहे हैं,
तो BC दैट इज इक्वल टू PC, ठीक है। तो ये आपने tan अल्फा बीटा गामा निकाला। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द केस ऑफ द आई एंड आर, आई और में और आर में रख दो इसको। तो नाउ आई बिकम्स एंगल, एंगल आई एंड आर बिकम्स क्या हो जाएगा, ये आई एंगल इज इक्वल टू टेन गामा दैट इज द ए बी बाई पी सी प्लस टेन अल्फा ए बी बाई पी ओ, ठीक है। और अब आर ले रहे हैं तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, तो आर का वैल्यू टेन गामा है तो ए बी बाई पी सी प्लस ए बी बाई पी आई। यहां पे क्या है टेन बीटा, तो टेन बीटा के जगह पे क्या हो गया, दैट इज द टेन बीटा का वैल्यू पी आई हो गया। ये दोनों रिलेशन, ये दोनों बात आ गया हमको, आई और आर का वैल्यू आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर टू मान लेते या रिलेशन टू मान लेते। नाउ सब्स्टिट्यूट द टू इन इक्वेशन वन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन या इक्वेशन टू इन वन, ठीक है। तो अब यहां पर आ गया म्यू टू, आई के जगह पे रख देंगे ए बी बाई पी सी प्लस ए बी बाई पी ओ, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू म्यू वन, और यहां पर हो गया आर के जगह पे प्यूट कर दो ए बी बाई पी सी प्लस ए बी बाई पी आई। अब ए बी कॉमन है तो आप यहां से ए बी को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया म्यू टू बाई पी सी इज प्लस प्लस म्यू टू बाई पी ओ इज इक्वल टू म्यू वन बाई पी सी प्लस म्यू वन बाई पी आई। ये रिलेशन बन गया हमारे पास। यहां से हम क्या देख रहे हैं पी सी पी ओ, पी सी को एक साइड कर दो, पी ओ इधर आ गया माइनस म्यू वन बाई पी आई इज इक्वल टू म्यू वन बाई पी सी, इधर आ गया माइनस म्यू टू बाई पी सी। ये आपका रिलेशन बन गया। तो अब ऐसे में साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे और इस तरह से एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा जिसका यूज देखो यहां पर, अब हम यहां से इसको हटा रहे हैं और जगह पे यहां पे अब इसको आगे देख रहे हैं कैसे आया, ठीक है। तो अब यहां पर आप रख रहे हो, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो ये हो गया आपका कितना म्यू टू बाई पी ओ, पी ओ के जगह क्या हो गया माइनस यू, माइनस म्यू वन बाई पी आई दैट इज अगेन माइनस वी इज इक्वल टू म्यू वन बाई पी सी, कॉमन ले लेंगे तो इतने यहां पर क्या हो गया म्यू वन माइनस म्यू टू एंड पी सी कॉमन हो गया, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन में पी सी का वैल्यू बैठा दो तो पी सी इज इक्वल टू कितना हो गया आर के बराबर है। अब यहां से ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहां पर आ गया दैट इज माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू वन बाई आर। ये रिलेशन हमारे पास बन रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहां से म्यू टू से सारे को क्या कर दो, इस इक्वेशन को या ध्यान में रखना है सेकंड पार्ट जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला का करते हैं फॉर द कनकेव केस में, तो ऐसे में हम इस फॉर्मूला इस जो एक्सप्रेशन को वहां यूज करते हैं, दैट एक्सप्रेशन इज यूज्ड एट दैट प्लेस जहां पे हम सेकंड कर्वेचर को यूज देखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन को ले लेते हैं दैट बिकम द इक्वेशन नंबर थ्री। अब इसी पे हम म्यू टू से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं, और अभी आपने रिलेशन देखा था कि अगर मान लेते हैं म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया म्यू ऑफ द
फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू म्यू ऑफ द फर्स्ट टू दैट ऑफ द सेकेंड। अब ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम यहां कंसिडर करेंगे। क्या कह रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन थ्री बाय म्यू वन म्यू टू, म्यू टू से इसको डिवाइड कर दो तो क्या रिलेशन बन जाएगा। देखो अभी हम ये भी क्लियर कर देते हैं और अब यहां देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। यहां पे म्यू टू से यहां पर आ गया तब ये रिलेशन हो गया माइनस वन बाई यू प्लस ये हो गया म्यू वन बाई म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू माइनस वन इंटू वन बाई आर। अब यहां से दिस रिलेशन, अब इसको आप चाहे तो म्यू वन बाई म्यू टू लिखो या सीधे म्यू लिख दो, तो ये हो गया वन बाई यू प्लस म्यू बाई वी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर। और ये एक्सप्रेशन हम आया दैट इज द इक्वेशन नंबर फोर। और ये जैसे आपने इसमें भी निकाला माइनस वन बाई यू इज इक्वल प्लस वन म्यू बाई वी म्यू माइनस वन, सेम रिलेशन को आप यहां पर भी देख रहे। अंतर इतना ही है कि यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम है और वहां डेंसर मीडियम। अगर आप उसके हिसाब से देखना चाहते हैं तो वन बाई यू प्लस यहां हो गया वन विथ रिस्पेक्ट टू बाय द वी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू माइनस वन वन बाई आर। यहां पर आपने लिया था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन था। तो ये दोनों रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे व्हेन वी गो टू थ्रू द लेंस मेकर फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कनकेव सरफेस। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना है कि दोनों ही कंडीशन में हम लोग कैसा इमेज बनाए हैं। यहां पर भी वर्चुअल इमेज है और यहां भी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, टिल दैट Good luck to all of you.